चंपारण और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पीएम ने किया फ्रंटलाइन वर्करों से संवाद, दिए दिशा निर्देश। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यानी आज 11 बजे से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों से बात किए, जिसके बाद उन्होंने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए और कोविड-19 के तीन फेज होने वाली चुनौतियों के बारे में भी विस्तार से गहन मंथन किए। प्रधानमंत्री ने इस वर्चुअल संवाद से पंडित राजन मिश्रा कोविड अस्पताल सहित अन्य वाराणसी के कोविड-19 अस्पतालों के भी बारे में जानकारी लिए। पीएम मोदी पंडित राजन मिश्रा कोविड-19 अस्पताल का निर्माण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO सेना के संयुक्त प्रयासों से आरंभ किया गया, उस पर भी समीक्षा की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए जारी प्रयासों और भविष्य की तैयारियों पर भी चर्चा की। पीएम की इस वर्चुअल संवाद में नर्सेज और डॉक्टरों ने विशेष तौर पर प्रतिभाग लिया। वर्तमान समय में हमारा देश कोविड-19 के प्रकोप को झेल ही रहा था कि बीच में ही ब्लैक फंगस नामक बीमारी ने दस्तक दे दिया, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी के समस्त चिकित्सा अधिकारियों के साथ, जिलाधिकारी कमिश्नर के साथ, वाराणसी की कमिश्नर सभागार में एक वर्चुअल संवाद के माध्यम से वाराणसी में चल रहे तमाम तैयारियों का जायजा लिया। वाराणसी से तौफीक खान की रिपोर्ट।